भारतीय जनता पार्टी को जो वोट देता है और भारतीय जनता पार्टी का जो समर्थक है वो राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति है। मैं आज महाभारत की धरती से श्राप देता हूं। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। सुरजेवाला ने एक विवादित बयान दिया है। उन्होंने एक सभा को संबोधित करते हुए बीजेपी पर तंज कसा है। उन्होंने बीजेपी समर्थकों और इस पार्टी को वोट देने वालों को राक्षस करार दे दिया। राक्षसों, भाजपा भाजपा के राक्षसों तुम लोग। भारतीय जनता पार्टी को जो वोट देता है और भारतीय जनता पार्टी का जो समर्थक है वो राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति है। मैं आज महाभारत की धरती से श्राप देता हूँ। वहीं कांग्रेस नेता के इस बयान के बाद बीजेपी तिल में ला गई है। सीएम शिवराज ने सुरजेवाला पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस है जिसके नेता कह रहे हैं कि जनता राक्षस है। सीएम शिवराज ने सोनिया और राहुल गांधी से सवाल किया है कि क्या बीजेपी को वोट देने वाले करोड़ों करोड़ लोग राक्षस हैं? क्या आप सारी जनता को राक्षस मानती हैं? जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। ये कांग्रेस है जिसके नेता कह रहे हैं कि जनता राक्षस है। क्या भारतीय जनता पार्टी को वोट देने वाले करोड़ों करोड़ लोग राक्षस है? सोनिया जी, राहुल जी, आप क्या मानते हैं? क्या आप सारी जनता को राक्षस मानते हैं? भारतीय जनता पार्टी, हम लोग जनता को अपना भगवान मानते हैं। और मैं भी हमेशा कहता हूं मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है, उसमें रहने वाली जनता ही हमारी भगवान है और उस जनता के पुजारी हम हैं। आप राक्षस भी कह रहे हैं और श्राप भी दे रहे हैं। आप जनता को भगवान नहीं मानते, स्वयं को भगवान मानते हैं और श्राप दे रहे हैं। क्या यही आपकी मोहब्बत की दुकान है? विधानसभा चुनाव से पहले एमपी में जुबानी जंग तेज हो गई है। दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर अलग अलग आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं। फिलहाल सुरजेवाला के इस बयान में जनता को लेकर बयानबाजी की है, जिसे अब बीजेपी भुनाने की कोशिश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी तक।